जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम फूड्स लिमिटेड कंपनी का जो राइट इशू ओपन हुआ है, उस राइट इशू के बारे में। राइट इशू अभी इस कंपनी का ओपन ही चल रहा है, कब तक ओपन है सब चीज में इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। राइट इशू के बारे में डिटेल्स समझाऊंगा क्या होता है, आपको क्यों इसमें अप्लाई करना चाहिए, यदि आप इस राइट इशू में नहीं अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा। और साथ में जो अलग से आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं जिसको हम लोग आरई शेयर्स कहते हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट में दिख रहे होंगे यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। और लगभग सबको ही एलिजिबल है क्योंकि जो रेशियो है उसके हिसाब से एक भी शेयर्स है आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो ये जो आरी शेयर्स आपको मिले हैं, जो एक्स्ट्रा शेयर्स, इसका क्या करना है, बेचना है या अप्लाई करना है, और बेचना है तो कब तक बेचना है, अप्लाई करना है तो कब तक करना है, अप्लाई कैसे करना है, सभी डिटेल्स इस वीडियो में आपको मैं एकदम आसान भाषा में बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्पेक्ट्रम फूड्स राइट इशू का जो डिटेल्स है ओपन कर लिया है। सबसे पहले देखेंगे जो इशू ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ था 8 अप्रैल को और ओपन रहेगा 22 अप्रैल तक, यानी कि 22 अप्रैल तक आपके पास टाइम है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं यदि आपको इस राइट इशू में अप्लाई करना है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, राइट इशू होता क्या है कि जो जब कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है, कुछ पैसों की जरूरत होती है आवश्यकता, तो कंपनी राइट इशू लेकर आती है। पैसे जुटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कंपनी बैंक से लोन भी ले सकती है, किसी से कर्ज भी ले सकती है, लेकिन सबसे जो अच्छा तरीका होता है कंपनियों के लिए राइट इशू होता है। और इस राइट इशू के जरिए कंपनी तकरीबन 38-39 करोड़ पैसा जुटाने जा रही है और इस पैसे का यूज़ कंपनी करेगी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। यदि कंपनी बैंक से लोन लेती इतना पैसा या किसी से कर्जा लेती तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ता, जबकि राइट इशू में कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे ही कुछ शेयर्स कम पैसों में बेच के पैसा इतना कंपनी जुटा लेती है। तो ये राइट इशू होता है, आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए यदि सुटेबल प्राइस पर मिल रहा है। तो देखिए मार्केट में इस कंपनी का जो प्राइस है उससे कम प्राइस पे इस कंपनी का शेयर प्राइस रखा गया है, 20 रुपये के आसपास कंपनी का एक शेयर्स आपको राइट इशू में अप्लाई करना है। इसी भाव से आपको जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं उतने शेयर्स के लिए आप 20 रुपये के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट में इसका प्राइस 80 रुपये के आसपास चल रहा है और आपको ये सिर्फ 20 रुपये में मिल रहा है, तो आपको इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। और कब तक अप्लाई करना है, 22 अप्रैल तक अप्लाई करना है। नहीं अप्लाई करेंगे तो जो अलग से आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं, जो आरी शेयर्स, वो आपके डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएंगे। और कब तक गायब हो जाएंगे, यहाँ पर डेट लिखा हुआ है रिनन्सिएशन ऑफ राइट इंटाइटलमेंट 16 अप्रैल तक, यानी कि यदि आपको अप्लाई करना है तो 22 अप्रैल तक कर सकते हैं, और यदि नहीं अप्लाई करना है तो ये जो आरी शेयर से इसको बेच दीजिएगा। और इसको कब तक बेचना है, 16 अप्रैल तक बेचने का डेट है, तो 16 अप्रैल तक इसको जरूर बेच दीजिएगा। अब ध्यान से समझिए, रिकॉर्ड डेट इसके लिए रखा गया था 27 मार्च को, यानी 27 मार्च के पहले तक जिस व्यक्ति के पास कंपनी के शेयर्स होंगे सिर्फ वही व्यक्ति राइट इशू में अप्लाई कर पाएगा। 27 मार्च के बाद भी कोई व्यक्ति स्पेक्ट्रम फूड्स का शेयर्स बाई किया होगा तो वो व्यक्ति इस राइट इशू में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जब आप अप्लाई कर देंगे, आपको जिस लास्ट डेट मैंने बताया 22 अप्रैल तक अप्लाई करना है, तो उसके बाद आपके डीमैट अकाउंट में शेयर से क्रेडिट हो जाएंगे 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल डी अलॉटमेंट होगा 3 अप्रैल। ये चीज़ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, देखिए अप्रैल की जगह मई होना चाहिए था, सभी मई में आपको इसका फाइनल क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी जो लिस्टिंग होगी वो भी 10 मई को होगी और लिस्टिंग सिर्फ BSE पर होगी, यहाँ पर ध्यान देना है। तो इससे आपको टेंशन नहीं, BSE पर हो NSE पर हो, आपको मैंने कि आप जो अप्लाई करें उसका शेयर्स का जो क्रेडिट हो जाना चाहिए, आपके अलॉटमेंट हो जाना, तो सभी ये जो चीज़ें अलॉटमेंट मई मंथ में हो जाएगी। और एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि जैसे राइट इशू में अप्लाई कैसे करना है, यदि आप इसके पहले एक बात ये समझ लीजिए कि इसके लिए जो रेशियो रखा गया है, रेशियो रखा गया यहाँ पर देखेंगे 4:1 का, यानी कि एक शेयर यदि आपके पास है तो उसके बदले आपको 4 एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में भी दिख रहे होंगे और इसी 4 शेयर्स को आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए सबसे इजी तरीका जो होता है वो होता है नेट बैंकिंग। यदि आप किसी भी बैंक यूज़ करते हैं और उसका एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, इसका मतलब आप उसका नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, और नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है आसबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, किसी भी बैंक का, चाहे आप SBI का योनो यूज़ करते हो, HDFC का, HDFC बैंक एप्लीकेशन यूज़ करते हो, कोटक का, कोटक महिंद्रा बैंक एप्लीकेशन यूज़ करते हो, उसमें यह आसबा का ऑप्शन आता है। नहीं दिख रहा है आपको तो एक बार अपने कस्टमर से बात कीजिएगा, वो आपको बता देगा कि आसबा का ऑप्शन कहाँ पर दिखेगा। और उसमें जाएंगे तो जितने राइट इशू अभी ओपन है या IPO ओपन है सभी इस राइट आसबा का ऑप्शन में दिख जाएंगे और वहाँ से जाकर आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं जितने भी आपको आरी शेयर्स मिले हैं। तो इस हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और जब अप्लाई कर लेंगे तो आपको ये डीमैट अकाउंट में आपको क्रेडिट हो जाएगा जिसमें बताया मई मंथ में। और इस कोई भी दिक्कत होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट में इसके बारे में पूछ सकते हैं, और या व्यक्तिगत रूप से जुड़ कर बातें करना चाहते हैं तो मुझको इंस्टा आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं पर्सनल मुझसे जुड़ कर बात कर सकते हैं, सबको मैं टाइम देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मन में कोई सवाल है तो पूछिएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।